हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे और ये गाजर का हलवा मेरा इस सीज़न का दूसरा हलवा बनाऊंगी। ये गाजर 5 किलो गाजर है, तो पहले हम इनको छीलेंगे। गाजर को कद्दूकस करने के बाद अच्छी तरह धो लेना है। 5 किलो गाजर हमने कद्दूकस कर लिए और इसके अंदर हम 1 किलो चीनी डाल रहे हैं और 2 किलो गोल्ड दूध लिया है और 200 ग्राम काजू लिया है। और इस बड़ी कढ़ाई में हम हलवा बनाएंगे गाजर का। अब हम गाजर का हलवा बनाना चालू कर रहे हैं। ये बड़ी कढ़ाई में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखते हैं इस बड़ी कढ़ाई में ये पूरा 5 किलो गाजर का कद्दूकस करा हुआ आता है क्या। हमारा ये कढ़ाई भी छोटा पड़ गया है क्योंकि गाजर ज़्यादा रह गई है, तो हम ये बड़ा सारा पतीला ले रहे हैं और इसके अंदर ये ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें आराम से हमारा 5 किलो गाजर का हलवा आराम से बनेगा। ये देखो, हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें भी देखो, अब आराम से बन जाएगा हमारा गाजर का हलवा। दो किलो दूध तो हमने पहले डाल दिया और थोड़ा कम लग रहा था तो हमने आधा किलो दूध और डाला है, क्योंकि 5 किलो के हिसाब से 2.5 किलो तो होना ही चाहिए। बाकी 2 किलो दूध तो हमने डाल दिया है। काजू को फोड़ने के लिए हमने ये नई टेक्निक अपनाई है ना, एक एक करके काजू को तोड़ने में टाइम लगता है, तो हमने ऐसे थैली में डाल के और काजू का टुकड़े करना है। तरीके से सारे काजू के टुकड़े हो गए, बढ़िया शानदार। ऐसे एक एक में ज़्यादा टाइम लग जाता है ना तोड़ने में, ये ना, बाकी जो थोड़े बड़े रह जाए वो तो कोई बात नहीं, ऐसे डाल दो वरना तोड़ दो। बाकी तो सारे काजू अच्छे तरीके से टुकड़े हो चुके हैं। हलवे में लगभग 1/2 किलो घी करीबन डालेंगे और गार्निश के लिए हमने पनीर कद्दूकस कर लिया है। अब हमने काजू डाल रहे हैं और गैस पे हमको ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए हम चूल्हे पे बना रहे हैं। चूल्हे पे थोड़ा जल्दी बन जाता है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी हद तक दूध जल गया है क्योंकि मैंने चूल्हे पर बहुत ज़्यादा आंच कर रखी है, तो चूल्हे पे जल्दी भी बन जाता है और लगभग अब तो थोड़ा ही टाइम लगेगा पकने में। फिर उसके बाद हम चीनी डालेंगे और मैंने चूल्हे में आंच देखो काफ़ी दे रखी है और नारियल के खोल मैं चूल्हे में जला रही हूँ। दूध काफ़ी हद तक जल गया है, अब हमने इसमें चीनी डाल दिया है और अब इसको करीबन 15-20 मिनट तो पकाएंगे। हलवा बनकर अपना तैयार हो गया और हमने इसमें 1 कटोरी घी डाला है। अब थोड़ी देर पकाएंगे और फिर अपना बनके हलवा तैयार हो जाएगा। हमने पनीर डाल दिया है, खोया की जगह पनीर डाला है और हमारा हलवा बनके तैयार हो गया। ये रेडी हो गया हमारा हलवा और हमने हलवा करीबन 1.5 से 2 घंटे में हमारा हलवा तैयार हुआ है, ये ना, क्योंकि ज़्यादा हलवा था 5 किलो तो टाइम तो लगता ही है, ये ना। बाकी बड़ी चौड़ी कढ़ाई होती है उसमें थोड़ा जल्दी बन जाता है, पतीले में थोड़ा सा टाइम लगा है, ये ना। और ये देखिए हमारा हलवा बनके रेडी हो गया, गरम गरम हलवा खाइए और बनाकर मेहमानों को खिलाइए गाजर का हलवा। जय माता दी दोस्तों।